आओ सर आओ साथ में भाई, थोड़ा गेट से इधर हो जाते हैं। अरे ठीक है ना, अरे फिर कोई आ गया। ठीक आए तो पूछो क्या पूछो। यश पूछ रहे आज राखी के साथ आपके फ्रेंड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैसूर से आए थे, आपके दोस्त बोल रहे थे कि वो आपके बचपन के दोस्त थे, वो ऐसे बोल रहे थे जो राखी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा बचपन का कोई सगा दोस्त होता तो एक तो राखी सावंत से जाके वहाँ नहीं जुड़ता, मेरे साथ आगे खड़ा रहता। अभी तो वो बोल रहे कि राखी सही है इसीलिए वो उनके साथ। वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा एक छोटी जगह मिला हूँ मैं काफी बार, वही मेरे बचपन के दोस्त नहीं ना मेरे साथ। मेरे इतने करीबी ताल्लुकात हैं, जैसे वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि मैं पहले JW मैरिट में मैं कहीं नहीं मिला। वो बोल रहे थे कि पहला BMW भी उन्होंने ही आपको स्टेयरिंग दिया और आप 50 लाख पहले ड्राइवर थे करके। आदि दादा जोर से बोलिए। बहुत सारे बताइए, एक मिनट होल्ड होल्ड। पेपर चोरी हुई थी इनोवा क्रिस्टा विद MLC नंबर प्लेट, चोरी का कंप्लेंट हुई थी हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में, उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और जेल गए। नंबर 1 जो है रैकेट चलाते हैं वो है शाबाज खान, अकॉर्डिंग टू द पेपर। मैं कोई भी बातें अनसुनी कह नहीं रहा हूँ, ये पेपर कहता है। ये लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ ठीक से पढ़ लेना। गाड़ी की कीमत बोली जाती है 14 से 15 लाख रुपये। जो इंसान 14 से 15 लाख रुपए के लिए चोरी करके, जब मैं ये हुआ इंसिडेंट जब मैं ऑलरेडी जेल में था, वो भी जेल में जाके आए, 14-15 लाख रुपए के लिए गाड़ी चोरी हुई है और डेक्कन हेरल्ड ने उनको छापा है प्रॉपरली उनके बारे में हर चीज़। ये मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ देखो। तो राखी को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिसको भी तुम लाती हो सब थोड़ा रिसर्च करके तो लाओ उनको कि वो क्या करते हैं, केस है। अच्छा, मेरा मुद्दा स्ट्रेट चल रहा है राखी सावंत, करेक्ट राइट। ये कौन नए नए लोग आके जुड़ते हैं, क्या ज़रूरत है लोगों को आके जुड़ने की? मैंने किसी को लाके खड़ा किया है आज तक? आगे से चल के लोग आए थे, जैसे मेरी जो मेरे हाल ही में बहन बनाया था शर्लिन, आगे से फ़ोन करके आए थे। राश्री आगे से फोन करके आया था, मेरी बहन बनी, मैं भाई की तरह उनके साथ आज भी खड़ा हूँ। बट शर्लिन अभी राखी के साथ, मैंने उनको कहा था आने के लिए। आप कभी भी मेरे साथ कोई सपोर्टर देखते हो क्या? मैं लेके घूमता हूँ, अगर लेके घूमना चाहूँ ना राखी के जो एविडेंसेस मुझे देते हैं, एक बहुत बड़ा आपको मंच चाहिए, इतने लोग जुड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मेरी लीगल बैटल है, मैं जेल गया हूँ झूठे आरोपों में, आई हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस। राखी जो लोगों को ला रही है, वो जो बोल रहे हैं इंटरव्यू मैंने देखा, आदिल के ऊपर ये केस है, तो आप कोर्ट जाओ ना, कोर्ट जाके लड़ो। राखी क्या प्रेसिडेंट है क्या जो राखी के पास, क्या राखी कोर्ट है? अच्छा, प्रेसिडेंट को भी हक है क्या? प्रेसिडेंट को हक है भाई बाहर बिठा के समझौता करने का? कोर्ट जाओ ना, कोर्ट नहीं आपके पास क्या? आपके पास एक तो राखी के पास काम नहीं है कुछ करने लायक काम, जो मैं आरोप उन पर लगाता हूँ उसको जस्टिफिकेशन देने के बदले नए आरोप ला के खड़ा कर देती हूँ कि ये आदिल का ये है वो है। ठीक है, चलो राखी मान लो ये मेरे आरोप है, ये मेरे केसेस हैं, उनको कोर्ट जाने बोलो। आप पे जो मैं आरोप लगाता हूँ, जो आप कर रहे हो काम, उसके बारे में तो कुछ बोलो। चलो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं राखी के खिलाफ, लेकिन मैं बता क्यों नहीं रहा था, बिकॉज उमरा चले गई थी हाल ही में, तो आई वॉज लाइक आने के बाद सुधर जाएंगी, तो मैं क्यों कुछ भी मीडिया ट्रायल करूँ, ये करूँ, वो करूँ। आई वॉज वेरी क्वाइट। ओके, मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। जिस दिन राखी आके उस दिन बैठ के एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं हूँ, पर हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ करण के शो में भी ये बात को कहा है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, वो एक एड शूट के लिए मेरे लिए गए। उसके 2 घंटे पहले राखी जब कॉन्फ्रेंस में आती उस दिन, उसके 2 घंटे पहले देखो क्या बात हुई रितेश और राखी की। रितेश का पेज है, तो नीचे अभी तो लाइट आ रहा है। बाय सही महेश भाई, थोड़ा मोबाइल क्या कर रहे हो यार? मैं
पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना, जो हुआ था तो बिग बॉस के लिए हुआ था, तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए, तुम ये सब कपड़े करो। आप ऑडियो भेज देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कह रही है वो, कभी भी मत कहना हमारी शादी हुई है, वरना आपके वाइफ के साथ भी आपके लफड़े हो जाएंगे। मैंने सिर्फ कहा है हमने बिग बॉस के लिए कुछ ड्रामा किया था, आप इसको ही कंटिन्यू रखना। ये राखी है स्टेटमेंट, इतनी आसानी से राखी क्या बेवकूफ़ बनाना चाहती है क्या लोगों को? एक तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, आप बेचारी मीडिया वालों का वक्त बर्बाद कर रही है। क्या आप लोग बहुत वेले हो क्या, जो उनको जाके कवर करती हो दुनिया में जाके दिखाने के लिए? क्या बोल रही है राखी? रितेश को बोलती है, वो आके नरेशन देती है कि हम शादीशुदा नहीं हैं। एविडेंस है मेरे पास उसका। इतना आसान होता है क्या इंसान को बेवकूफ़ बनाना? उनको ये पता है कि मेरे पास अभी ये चीज़ है। इसको कवर करने के लिए नए नए मुद्दे कोई शैली आ गए, वो आ गए। मैं ये नहीं कह रहा उनको मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं बिल्कुल जानता हूँ। जैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। राखी थोड़ा तो सोच समझ के, मैं अपने आप को देखो, लास्ट 8 डेज में कहीं आया था बात रखने के लिए? नहीं, मैं वेट कर रहा था राखी क्या बोली। आज उन्होंने झूठ स्टार्ट किया, मैं बीच में दोबारा मैं आ रहा हूँ कि मुझे मेरी साइड की स्टोरी रखनी ज़रूरी है लोगों के सामने।